ऑनलाइन की लास्ट में आज हमें इलेक्ट्रॉनिक्स का चैप्टर करना है। ये चैप्टर किसी हद तक केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट को भी कवर करता है, जैसे कि 1s2, 2s2, 2p2। यूजुअली हम ये ग्राउंड स्टेट लिखते हैं, लेकिन जब एक्साइटेड स्टेट आती है 1s2 तो होता है, लेकिन यहाँ के 2s1, 2px1, 2py1, ये कार्बन की बात कर रहा हूँ मैं, 2pz1। ठीक है, अब हमारा कॉन्सेप्ट क्या है केमिस्ट्री में कि जी सबसे ऊपर वैलेंस बैंड होता है, इससे ऊपर कुछ नहीं होता, जबकि फिजिक्स में ऐसा नहीं है। हम कहते हैं वैलेंस बैंड से भी ऊपर एक होता है कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड या तो फुलफिल होगा, ठीक है, या फिर पार्शियली फिल्ड होगा, ठीक है जी, एम्प्टी कभी नहीं होगा। कंडक्शन बैंड या तो एम्प्टी होगा, ठीक है, या पार्शियली फिल होगा, फुलफिल नहीं होगा। अब जब कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड बिल्कुल मिले हुए हों, ये सब्सटेंस कहलाते हैं कंडक्टर्स, ठीक है। अब कंडक्टर में से क्या होता है कि बड़े आराम से हीट भी फ्लो हो जाती है, करंट भी फ्लो हो जाता है विदाउट एनी प्रॉब्लम, ठीक है जी। कंडक्टिविटी हम कहते हैं इनकी बहुत बहुत हाई होती है। इनकी कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी की वैल्यू भी हमें याद रखनी होती है, मैं बताता हूँ। कंडक्टर्स की मिसाल में आते हैं सारे के सारे मेटल्स। फिर एक जगह ऐसा होता है कि एक कंडक्शन बैंड होता है, थोड़ा सा नैरो गैप होता है और उसके नीचे होता है वैलेंस बैंड, तो इनको हम कहते हैं सेमीकंडक्टर। बेस्ट एग्जांपल सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ठीक है जी। और फिर ना यहाँ कंडक्शन बैंड, यहाँ वैलेंस बैंड, और ये बहुत बड़ी एक समाज की दीवार, इतनी बड़ी कि जो ये पार करना ही बहुत मुश्किल होता है, फॉरबिडन गैप, ठीक है जी। यहाँ रेजिस्टिविटी बहुत हाई होती है, कंडक्टिविटी बहुत कम होती है। इसकी मिसाल सारे के सारे नॉन मेटल्स हो गए, ख़ासतौर पर रबड़, वुड वगैरह, ठीक है, और इनको कहते हैं हम इंसुलेटर। सबसे पहले तो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स।